हेलो फ्रेंड, नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक हो। आज जो मनाने वाले हैं बेल का शरबत। गर्मियों में बेल का शरबत पीने से बहुत ज्यादा लाभ होता है, इसलिए बेल का शरबत पीना बहुत अच्छा रहता है हमारे लिए। चलो अब हम बनाते हैं बेल का शरबत। बेल का शरबत बनाने के लिए हमने एक गंजी ले ली है और ये हमने बेल ले लिया है। अब बेल को ऐसे हम निकाल लेंगे गंजी में। हमने हाथों को अच्छे से धो लिया था क्योंकि इसमें हाथों का यूज होगा। अब दूसरे बेल को भी ऐसे करके हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमने बेल को निकाल लिया है एक डोंगे में। अब इसमें हम डालेंगे शक्कर और इसमें डालेंगे ये बर्फ। इसको अच्छी तरह से मैश कर देंगे। और बेल के शरबत बनाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है क्योंकि इसमें हाथों का यूज होता है। आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं बट मैंने इसमें शक्कर का यूज किया है। वैसे आप शक्कर ही डालें क्योंकि गुड़ गर्म होता है जो गर्मी में हमें नुकसान भी कर सकता है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। और इसको अच्छी तरह से 10 मिनट तक मिक्स कर देंगे जब तक ये पानी और ये बेल अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए और शक्कर इसमें घुल ना जाए। आप देख सकते हैं शक्कर अभी ये दरदरी सी है। जब तक ये पूरी शक्कर घुल ना जाए तब तक इसको हम मिक्स करते रहेंगे। आप देख सकते हैं शक्कर इसमें हमारी घुल गई है और ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसको हम ऐसे करके इसका ये पूरा ये रेसा रेसादार इसको निकाल लेंगे। इसी जो बीज होते हैं इसको एक प्लेट में निकाल के ऐसे हम रख देंगे। इसमें बीज ज्यादा रहते हैं इसको इसलिए निकाल दे रहे हैं। ये हमने आप देख सकते हैं हमने इसको ऐसे करके इसके सारे बीजे निकाल लिए हैं। अब इसको एक लोटे में हम पलटा देंगे
अब ये लोटे का शरबत हम गिलास में डालेंगे। और आप देख सकते हैं बेल का शरबत बन के रेडी हो गया है। कितना टेस्टी और यम्मी लग रहा है। आप ये समर में यूज कर सकते हैं, बहुत ठंडा रहता है हमारे लिए गर्मियों के लिए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नीचे लाल बटन दिए होगी इस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।